हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम रिपेयर करने वाला है इस टाइप की एक मॉस्किटो बैट, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, जो कि हमने सोचे थे कुछ अलग और निकला कुछ अलग इसके अंदर में प्रॉब्लम। तो हमने सोचे थे कि इसके अंदर में चार्जिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा या तो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें जो स्पार्क है बहुत कम ही स्पार्क यहाँ पे निकल रहे थे। तो यहाँ पे हमने ओपन करके रखे हैं इस वाले बोर्ड को, लेकिन हमारा बैटरी पूरी तरह से सही सलामत है। पूरी 3 से 4 वोल्ट की इसकी आउटपुट यहाँ पे बैटरी निकाल के दे रही है, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है इस वाली बोर्ड में कुछ आ चुकी थी, जिसमें इस वाली जो PF है, ये देखिए, देखेंगे दोस्तों इसकी हालत, ये फट चुकी है। और इसके साथ ही इसमें 3 डायोड है जो कि पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। तो मैंने चेक करके देख चुका हूँ, मैं आपको दोबारा से देखूँगा किस तरह से आपको चेक करना है। तो मार्केट में आपको इस टाइप की कुछ PF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वैल्यू सेम है, आपको सेम ही वैल्यू का लाना है। साइज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी जो कंपनी है वो अलग अलग है। ये है 223J 2000 वोल्ट की है, आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। तो इसकी भी वैल्यू सेम है, 223J 2000 वोल्ट। और एक तो है, दो टाइप का वेराइटी आपको मार्केट में मिलेगा। ये है 223H 1.8K, मतलब ये 1800 है और ये 2000 वोल्ट की है। तो इसकी साइज देखिए दोस्तों, ये बिग साइज है, मोटी वाली है, और ये इसकी मीडियम साइज है। तो दो वेराइटी के मिलते हैं एक ही प्राइस लिस्ट में। तो आपको अगर आपका बॉडी में स्पेस है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 3 डायोड ख़राब है, तो यहाँ पे IN4007 की 3 डायोड लगेगी। तो इसको भी हम चेक करेंगे और इसको भी हम चेक करके दोबारा से आपको दिखाएंगे। नए वाले के डायोड है, सिंपल से आपको पता ही होगा, जहाँ पे ब्लैक साइड है वो पॉजिटिव है, सिल्वर वाली नेगेटिव है। आपको इस टाइप की कुछ वैल्यू मिलेगी और इसको रिवर्स करने से आपको कुछ भी रीडिंग नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम इसमें ही चेक करेंगे, बॉडी में लगे लगवाए हमारे किट में है जो हमारा डायोड है। सिल्वर हमारा नेगेटिव है और ब्लैक पोर्शन हमारा पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ भी रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। 1, 2, 3 पूरी ओपन हो चुका है। तो इसको हम करेंगे रिप्लेस, तो फटाफट से इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ डायग्राम दी गई है, आपको देख के इसको लगाना है। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम दी गई है, उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो तीनों को तीनों ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे पूरी बोर्ड क्लीन हो चुकी है। ट्रांसफार्मर जो है आप भी किस तरह से चेक करेंगे, ये 3 पिन और ये 3 पिन, 6 पिन, ठीक है। इसको वही बजर मोड में रख के आपको दोबारा से चेक करना होगा। तो ये रीडिंग आ रहा है, ये रीडिंग नहीं आ रहा है, ये बीप कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये बीप कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये सही है, ये इसके साथ बीप कर रहा है और यहाँ पर ये रीडिंग आ रहा है। तो डायोड को लगा देंगे जिस तरह से था डायग्राम, उसके बाद इस वाले PF को लगाएंगे। तो इसमें खांचा दी गई है, तो इसको लगा देते हैं। तो हम इसको बैठा के देखेंगे अच्छी तरह से, ये बैठ जा रहा है, फिट हो जा रहा है। तो अभी बारी है सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। और ये हमारा बैटरी है जो कि बहुत छोटी बैटरी है, हम इसमें ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करके हम इसमें टेस्ट करेंगे, कई कुछ इस तरह से पकड़ना है आपको, इस बॉडी को पकड़ना नहीं है। तो यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि रिप्लेस किया, तो यहाँ से हमारा 3 डायोड यहाँ पे ख़राब था और ये वाली कैपेसिटर ख़राब था, ठीक है। तो लेकिन इस रिप्लेस करने के बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम वही का वही है। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पावर बटन में देखिए, ये पावर दे दिया। अब इसकी स्पार्क देखेंगे तो वही लिटिल अमाउंट की है और बढ़ा भी नहीं है, ठीक है। और इसकी स्पार्क जो है वो बढ़ा नहीं, वही के वही है। तो इसकी प्रॉब्लम और कहीं है, तो हमने चेक किया हूँ, तो यहाँ पे लगभग हमारा यहाँ तक हमने चेक किए थे सही है। और हमारा इसको भी चेक किए थे, ये जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर हमको रीडिंग में सही दिखा रहा है और हल्की हल्की थोड़ी सी हीट हो रही है, हमको डाउट इस पर हो रहा है। और शायद ये यहाँ पे आपका हाई पल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, जो कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के दोनों पिन में है निकलता है हाई पल्स। तो इसीलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आप NPN का कोई भी ट्रांजिस्टर यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे, ये देख लीजिए, 882 जो आपको दिख रहा होगा यहीं पर, थोड़ी सी 882 है। और उसके बाद मेरे पास है, ये देखिए, D880, ठीक है। तो ये D880 है मेरे पास और D882 है, तो इनकी पिन थोड़ी सी अलग है, ठीक है।
और इसकी साइज भी देखेंगे तो इससे बहुत अलग है, और लास्टिंग देखा जाए तो इससे ज़्यादा लास्टिंग ये वाली ट्रांजिस्टर करती है। तो इसकी पिन की जो आप डाटा शीट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, तो इसकी एक नंबर पिन, दो नंबर पिन, तीन नंबर पिन। तो एक नंबर पिन इसका बेस है, ये कलेक्टर है, और ये लास्ट वाला इसका एमिटर है, ठीक है। जहाँ से आपका नंबर प्रिंट है उसका बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। लेकिन ये जो है, ये ट्रांजिस्टर का जो है, इसकी उल्टी है, ठीक है। आप जिधर से नंबर, यहाँ पे प्रिंटिंग है तो नंबर प्रिंटिंग है तो आपको 1, 2, 3 मिलेगा, लेकिन इसका बेस कलेक्टर एमिटर अलग उल्टी है। इधर से तीन नंबर पिन में आपका बेस है, बीच वाला कलेक्टर है, और एक नंबर उसका एमिटर है। दो नंबर कलेक्टर है, एक नंबर एमिटर है। तो आपको लगाना किस तरह से, इस तरह से उल्टी करके लगाने हैं। तो उल्टी करेंगे तो ये आपका बेस कलेक्टर एमिटर होगा। तो यहाँ पे जो सर्किट में लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये उल्टी करके लगी हुई है। उल्टी करके देखेंगे, बेस कलेक्टर एमिटर, तो ये लगा हुआ है इस तरह से, बेस कलेक्टर एमिटर, ठीक है। तो ये ऐसे लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, ये वाला जो मोसफेट लगाएंगे, लगाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये लगेगा हमारा इस टाइप से, ठीक है। क्योंकि इसकी बेस इधर से है, बेस कलेक्टर एमिटर, ये इस तरह से उल्टी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे डिसोल्डिंग कर दिया हूँ, और इसको निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। डिसोल्डिंग करने के लिए मैं हमेशा इस टाइप की कुछ ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। ये इसमें देखिए, इसमें कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी नंबर नहीं है D9 के अलावा, ठीक है। तो ये आपके साथ करते हैं कि आपको इस टाइप की कुछ नंबर ना मिले। तो इस जगह पर आप इस टाइप की D882 या D880 लगा सकते हैं, और इसको हम लगा देते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा ये काम करता है या नहीं, ठीक है। तो अभी ये देख लीजिए, लग चुका है। अभी सोल्डिंग करने का काम है, तो सोल्डिंग कर लेते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका नहीं बनता है काम, तो उससे बेटर है आप अपना बोर्ड नया डाल दीजिए, सबसे आसान तरीका, ठीक है। और कोई बोलता है कि ये तो हर कोई कर सकता है, ये कर सकता है, इससे और आपका जो दिमाग लगा रहे हैं, फिर खर्चा भी हो रहा है, तो इससे बेटर है कि आप नया वाला बोर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अगर इससे भी अगर आपका काम नहीं बनता है, तो फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे सोल्डिंग का काम हो चुका है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं और इसकी स्पार्क देखते हैं। सो गाइस, जो इस वाली जो बोर्ड है, तो इसमें पता नहीं क्या कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ मैंने करके देख चुका हूँ, और इसमें और कुछ भी खर्चा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बन पाता है तो सीधी सी बात है, इसकी बोर्ड नया चेंज होगा, ठीक है। तो मैं बोर्ड मंगाऊंगा, तो मंगाने के बाद आपका ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, मिल रहा था, अभी मार्केट में अभी ख़त्म हो गया है, तो आएगा तो इसको नया डाल देंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक ले जाइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।